जय जोहार किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव के ब्लॉक माकड़ी के गाँव मगेदा में। आपको बता दें, ये जो कोंडागांव है ये महत्वाकांक्षी जिलों में से एक जिला है। भारत में 112 महत्वाकांक्षी जिले हैं और आपको बताएं, ये जो कोंडा गांव है ये बहुत पिछड़ा हुआ ये गांव है। हम यहां पर देखेंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है उससे किसान भाई किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ की मुख्य फसल है जिसको मक्का बोलते हैं। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ की मुख्य फसल भी है। आपको लेकर चलेंगे चौपाल में, जहाँ पर किसान भाइयों से चर्चा करेंगे किस तरीके से पिछड़े क्षेत्र में योजनाएं धरातल पर पहुँच रही हैं और किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल चर्चा के सफर में। तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको आदिवासी गांव में लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान उत्पादक संगठन क्या है? किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों को जो खेती किसानी का उत्पादन करते हैं उसका एक समूह है। उस समूह को भारत सरकार के माध्यम से 15 लाख तक का वित्तीय सहयोग मिलता है और एक समूह के माध्यम से बड़े स्तर पे समूह में किसानों को खेती किसानी करके और खेती किसानी में लाभ अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, आपको बताया हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक ने किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में CEO किसान उत्पादक संगठन के मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए कि किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत कैसे करी आपने? आप सब लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं DD किसान चैनल को धन्यवाद देता हूं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आके हम लोगों को कैप्चर कर रहे हैं और वहां तक पहुंचाएंगे, दिल्ली तक। और मैं माकड़ी नारंगी जैविक कृषि प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो FPO है उसका CEO हूँ और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 हैं। ये भारत सरकार की 10,000 FPO निर्माण के तहत फार्मेशन किया गया है और जिसके लिए हमें बिजनेस करने के लिए 15 लाख रुपया फुल्ली ग्रांटेड भारत सरकार द्वारा हमें दिया जाएगा, लेकिन वो पैसा लेने के लिए हमें शेयर मनी के रूप में 15 लाख रुपये जमा करना है जो प्रत्येक किसान का अंश राशि होगा, दोनों मिला के 30 लाख होगा, जिससे हमको बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और मैनेजमेंट ग्रांट का भी पैसा हमें अलग से दिया जाता है 20 लाख रुपये, वो हमारे मैनेजमेंट बॉडी के करने के लिए मीटिंग्स हो गया, एक्सपोजर हो गया, ये सब के लिए होता है। और हमारा जो CBBO होता है, CBBO के माध्यम से हमें यहाँ पे क्षेत्र का बेसिक नॉलेज लेने के बाद हमें प्राप्त होता है, ये परियोजना मिलती है जो CBBO का नाम है मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भोपाल से है, वो जो उनके देखरेख में FPO चलाया जाता है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारी NABARD है। भारत सरकार तो फंडिंग करती है लेकिन इम्प्लीमेंट जो करता है हमारा NABARD करता है, जिसके तहत हमारा बीच बीच में मॉनिटरिंग होते रहता है। और इसके तहत हम लोगों ने अभी तक ये दूसरा साल का इंड चल रहा है, 450 लोग हमारे अंशधारक के रूप में जुड़ चुके हैं जिनकी शेयर राशि 2000 और किसी किसी का 1000 भी है। और हम लोग बिजनेस के तौर पर अभी मुख्य रूप से आउटपुट के तहत में हम लोगों ने मक्का का किया है मेनली, क्योंकि मक्का इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। और जबकि पहले हमारे FPO आने से पहले यहाँ पे 1500 से 1600 रुपया कुंटल तक का मक्का बेचा जाता था जो कि किसान के मेहनत के अनुसार उनको लाभ नहीं मिलता था, लेकिन जब से FPO आया है
इन लोगों को बेहतर दाम मिलना शुरू हो गया। अभी तो 2200 तक हम लोगों ने खरीदी किया है, जिससे कि जो बिचौलिए लोग थे वो लोग भी रेट अब बढ़ा के लेने लगे हैं। ये हमारा एक अप्रत्यक्ष लाभ बहुत बड़ा मिला है। इसकी शुरुआत कैसे करी थी आपने? हमने यहाँ पे गांव-गांव में बैठक किया सर, जहाँ पे किसान लोगों को चौपाल लगवाया और बैठक करके उन लोगों से खुद से उनको आगे आने के लिए हमने बताया कि ये एफपीओ है जो किसानों का एक समूह होता है, इसको आप इसके स्वामित्व भी किसान के पास होता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर हम सीईओ हैं तो हम इसमें मान के चलिए कर्मचारी हैं, लेकिन इसका मालिकाना हक जो होता है हमारे किसान भाई के पास होता है। जो बोर्ड ऑफ संचालक मंडल जो कहा जाता है वो 10 हैं हमारे, जिसमें एक हमारी दीदी भी है फुलेश्वरी दीदी जी, और बाकी 9 हमारे किसान भाई लोग हैं। ये लोग मेन संचालन का काम करते हैं। किसान उत्पादक संगठन का उद्देश्य क्या है? किसान उत्पादक संगठन का उद्देश्य मेन होता है कि गांव के लोगों को उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलता है। सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इनके मूल्य को मिलना, उचित मूल्य जो मिलता है वो किसान उत्पादक संगठन से मिल रहा है, जो पूरे देश में चल रहा है, और यहाँ भी लोग काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। और हम लोग गांव-गांव घर-घर जाके कलेक्टिविटी बिजनेस करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनका ट्रांसपोर्ट का पैसा बचता है। ये एक भी ये बहुत अप्रत्यक्ष लाभ ये भी होता है। अब धीरे धीरे किसान लोग इसे और जुड़ना कोशिश कर रहे हैं और डेली बाई डेली हमसे जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर किसान उत्पादक संगठन जो है वो काम कर रहा है, और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किसान उत्पादक संगठन है वो मेनली जो है मार्केट पे काम कर रहा है कि किस तरीके से किसानों का जो उत्पाद है उसके अच्छे दाम किसानों को मिल सके। जहाँ पहले उनको 1600 मिलते थे, आज की बात करते हैं तो 2200 से ज़्यादा उनको मिल रहा है। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की, किसान उत्पादक संगठन में आपको क्या लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है सर। मक्का की बात करते हैं, यहाँ की कहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिला कोंडा गांव में ही सबसे ज़्यादा मक्का होता है, तो मक्का के आपको दाम अच्छे मिलते हैं? जी अभी मिलते हैं सर। पहले कितने मिलते थे? पहले कम 1000-1200 ऐसी में बेचते थे, अभी 2000 तक हुआ है सर। तो ये बताइए कि जो आपको मक्का के दाम अच्छे मिल रहे हैं, तो आपको लगता है किसान उत्पादक संगठन से आपके परिवार में खुशहाली आई है? जी। इसकी जानकारी कहाँ से हुई थी आपको? अभी सरकार ने घोषणा किया है सर, अभी कोंडा गांव में मक्का प्रोसेसिंग भी बना है, तो लगता है फायदेमंद है। जी, इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? जी सर। देखिए, हमारी महिला किसान जो है, जो आदिवासी ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की, आपने इससे फ़ायदा लिया है? जी सर। क्या फ़ायदा लिया आपने? फ़ायदा तो लिया सर बहुत कुछ, मक्का वगैरह का फ़ायदा बहुत मिला। जो पहले बहुत कुछ ज़्यादा रेट से बेच रहे थे सर, लेकिन कम मतलब दाम मिल रहा था हम लोगों को। अभी एफपीओ में जुड़े तो सर बहुत मिला हम लोगों को, अभी 1900 के जगह में अब 2000 रुपये खरीदी हो रहा है। लगता है कि इससे आपकी जो आमदनी है वो बढ़ रही है? जी सर, बढ़ रही है। परिवार में खुशहाली आई है? खुशहाली भी आई सर। देखिए, किसान भाई कह रहे हैं कि उनके जीवन में बदलाव आया है किसान उत्पादक संगठन से। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और मिलाव। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा, पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान PGS ऑर्गेनिक का ये लोग, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ,
पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव की चौपाल चर्चा से आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है आदिवासी गांव में है। हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये बताइए कि किसान उत्पादक संगठन की बात कर रहे हैं, किसान उत्पादक संगठन से आपने लाभ लिया है? हाँ लिए हैं सर। क्या लाभ लिया आपने? यूरिया कम दाम में दे रहे हैं लोग, यूरिया हो गया, कुछ दवाई हो गया, कम दाम में दे रहे हैं। हमारे पहले का परंपरा खेती से हट के थोड़ा अलग तरह की खेती कर रहे हैं यहाँ के लोग भी, हमारे मगेदा पंचायत के लोग, किसान लोग। इसमें जो उत्पादक संगठन बना है FPO जिसको बोलते हैं, उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको? उसमें सर खाद तो भी दे रहे हैं सर ये लोग, फायदा। और मक्का खरीद रहे हैं इन लोग। मक्का क्या है, पहले के कोचे लोग आते थे, व्यापारी लोग आते थे, उन लोग क्या है समझो 1200 रुपये है मक्के का रेट, उनको इन लोग लेते थे 1000 रुपये 900। जब से FPO आया है उनके बाद बदलाव भी हुआ है इसमें से मक्के में। कई किसान लोग कुछ भी हैं 1900 में लेते थे, उन लोग 2500 में ले रहे हैं अभी, ये फ़ायदा हुआ है सर। और ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं यूरिया में क्या फ़ायदा हुआ? यूरिया में सर मक्के में फ़ायदा हो रहा है, मक्के में डालना है उसमें फ़ायदा हो रहा है। तो FPO से क्या फ़ायदा हुआ यूरिया में, रेट अच्छे मिल रहे हैं? रेट कम मिला सर इसमें, क्या है 350 मिलता तो वहाँ यहाँ लगभग 250 रुपये कुछ करके दे रहे हैं लोग, ले रहे हैं हम लोग, लाभकारी है। जी जी। और DD किसान चैनल देखते हैं आप? जी सर देखता हूँ, इसलिए तो मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। क्या है DD किसान ऐसा चैनल है किसान भाई लोगों के लिए, हो सके उसमें कुछ किसान देखेंगे ना तो अनुभव करेंगे कि मेरे को भी ऐसा करना है खेती, पहले का परंपरा खेती को हट के जैविक खेती करना है, मैं क्या हूँ खेती पे भी है, मेरी फसल भी अच्छा है और बाज़ार में भी अच्छा रेट मिल रहा है। DD किसान चैनल को देखने के लिए इसे हर महीना 410 रुपये का रिचार्ज करता हूँ पैकेज। क्या इसमें मैं हर रोज़ आधा घंटा देखता हूँ DD किसान, इसमें क्या है हर तरह का बताता है किसान लोगों का फ़ायदा, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, खेती कैसा करना है, कितना समय तक उसको पानी देना है, वो सारा चीज़ बताता है, दवाई कितने मात्रा में देना, इतना तक कृषि विज्ञान लोग विज्ञानी लोग दिल्ली से बताते हैं TV पे। लगता है लाभकारी है इसमें तो, मेरे को बहुत लाभ हुआ है सर, मेरा खेती अभी ऑर्गेनिक खेती क्या हूँ मेरा फसल में। ये DD किसान देख के? हाँ देख के सर बहुत लाभ हुआ है, और डबल बोल देते, मैं तो तीसरा फसल लिया हूँ इस साल भी, पिछले साल भी DD किसान देख के तीसरा फसल लिया था मेरा खेत में, अब लाभ ही लाभ हुआ है, बच्चे लोग भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है इसमें से। देखिए हमारे किसान भाई जो कह रहे हैं वो DD किसान देख के उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करी है, जैसे कि DD किसान चैनल पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उसमें जो जानकारी देते हैं उससे किसान भाई ने DD किसान देख के उन्होंने लाभान्वित हुए हैं। जी आप बताइए, किसान उत्पादक संगठन की बात कर रहे हैं, आपने बनाया किसान उत्पादक संगठन, जुड़े हैं? जी सर। क्या लाभ लिया आपने? लाभ ये हुआ सर, अभी पहले ना क्या पहले का दाम कम था, अभी ये आया है ना सर, उस दिन से थोड़ा हम लोगों को थोड़ा राहत मिला है, बहुत ही रेट भी ठीक है, और उसमें खाद हो गया, आप बीज हो गया, सब कुछ कम कम दाम में दे रहे हैं, तो इसलिए हम लाभ है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है किसान उत्पादक संगठन से। जी आप बताइए, आपको क्या लाभ हो रहा है किसान उत्पादक संगठन से? जैसे खाद बीज हो गया, ये बहुत कम मतलब कम दाम में मिल रहा है, जिससे कि अपना जो पूंजी है उसकी बचत हो रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कम दाम में उनको फायदा हो रहा है और जो पूंजी है उसमें उनको बचत हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी सर जुड़े हैं। क्या फ़ायदा हुआ आपको? जी सर FPO आने से यहाँ गांव के लोग को बहुत आराम मिला है, क्योंकि गांव में ही सब सारी चीज़ उपलब्ध हो रही है,
खाद से लेकर बीज तक पूरे सस्ते दाम में उपलब्ध हो रही है और अपन को कहीं दूसरा शहर में जाने नहीं पड़ता है, गांव में ही उपलब्ध हो जाते हैं। लगता है कि बदलती हुई तस्वीर आपको नजर आ रही है, जो योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। जी सर, आ रही है। तस्वीर बदल रही है। जी सर, बदल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए? जी सर, बिल्कुल देंगे। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ से, जो जिला कोंडागांव है छत्तीसगढ़ में, जो हमारे किसान भाई हैं, जो आदिवासी किसान भाई हैं, वो कह रहे हैं यहाँ से बदलती हुई तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान उत्पादक संगठन से आपने लाभ लिया है? लाभ तो हम लोग जो बाजार मार्केट में लेते हैं वो सुविधा हो गया है सर, मक्का लेने में दाम अच्छे मिलते हैं। हाँ, दाम अच्छा मिलते हैं। लगता है योजना जो है गांव-गांव तक पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। देखिए, हमारे किसान भाई जो हैं वो कह रहे हैं योजनाएं जो हैं वो गांव-गांव तक पहुंच रही है। हमारे बीच में उप संचालन अधिकारी मौजूद हैं कृषि विभाग से, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये बताइए कि आपका जो विभाग है वो किस तरीके से काम कर रहा है? मेरे विभाग के अंतर्गत यहाँ पे एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदस्थ हैं, जो पूरे किसानों के साथ उनको प्रचार प्रसार कर घर घर जाकर समझा कर खेती किस तरह करें, कैसे ज़्यादा उत्पादन लें, इसकी जानकारी दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। इस गांव में कृषि उत्पादक समूह हमारे रमेश जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 450 किसान जुड़े हुए हैं। ये किसान अपने ही खेतों की उत्पादन को समूह के रूप में बेच रहे हैं। इनको दूर जाना नहीं पड़ रहा है, घर में ही सुविधा मिल रहा है। और कृषि विभाग की जो उन्नतशील बीज हैं इनकी जानकारी इनके द्वारा मिल रहा है, ये इनका भी बिजनेस कर रहे हैं, किसानों को सुगमता से उपलब्ध हो रही है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी आपको चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। हर जोखिम से निकलकर फसल आए सुरक्षित हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव से है। हमारे बीच में किसान उत्पादक संगठन के सीईओ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, अगर हमारे किसान भाई किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं? एक्चुअली किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक CBBO की जरूरत पड़ती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पहले से इस क्षेत्र में काम कर चुका होता है, उसको इस चीज़ का नॉलेज होता है। तो उनके द्वारा क्षेत्रवार बेसिक नॉलेज लिया जाता है, क्षेत्र में किस टाइप की खेती होती है और खेती में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा होता है, और अगर उत्पादन हो गया तो उसको मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है या उनको सीड मुहैया कराने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इस चीज़ को लेकर एक बेसिक नॉलेज लिया जाता है, बेसिक सर्वे जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे किस कमोडिटी पे हम FPO का निर्माण कर सकते हैं। ये सारे किसान भाइयों के साथ बैठ करके हम चर्चा करते हैं, उस पर उनसे जो बात निकल के आती है उस चीज़ को लेकर हम लोग प्रपोजल बनाते हैं, भारत सरकार के आगे हम लोग प्रेषित करते हैं उस पत्र को। उसके बाद वहाँ से सेंक्शन होता है, फिर हमारा रजिस्टर्ड होता है, MCA ऑफिस पे हमारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसका पर्टिकुलर नाम होता है, वो गांव के लोगों के रिलेटेड हम नाम रखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे नाम है माकड़ी नारंगी जैविक कृषि प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन उद्देश्य था कि यहाँ पे माकड़ी नारंगी नाम की नदी है,
उसके तहत हमारे किसान लोगों ने बोला कि हम नदी का नाम भी उजागर करें यहाँ से, और माकड़ी हमारा ब्लॉक पड़ता है, माकड़ी के लोग हमारे सक्षम हैं, इसलिए हमने सबको सम्मिलित करके एक माकड़ी नारंगी जैविक खेती का यहाँ मिशन चल रहा था उसको भी हमने इसमें जोड़ने की कोशिश किया, और इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। 20 अगस्त 2021 को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके तहत 450 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, बाकी लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी आपको, बताया किस तरीके से आप किसान उत्पादक संगठन को बना सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की, आपने इससे लाभ लिया है? जी आप बताएं। यूरिया धान बीज के लिए लिए हैं, थोड़ी कम रेट से लिए हैं। लाभकारी है जी। देखिए हमारे किसान भाई ने बताया कि जो धान के बीज लेते हैं, यूरिया लेते हैं, वो किसान उत्पादक संगठन में कम रेट में उनको दिया जाता है। जी आप बताइए, किसान उत्पादक संगठन से आपने लाभ लिया है? हाँ बिल्कुल सर, मैं लाभ लिया हूँ और आगे भी लाभ लेते रहूँगा। क्या लाभ लिया आपने? बिचौलियों से दूर हो रहे हैं, और हमको पहले क्या करते थे कि वो मक्का को ले जा के भी वो लोग उधरी फंसा देते थे, पैसा नहीं देते थे, और जिस दिन से ये सिस्टम आ गया, FPO आ गया है, उस दिन से वो लोग FPO से बढ़ करके अपना खरीद रहे हैं और उनको नगद पैसा, नगद भुगतान कर रहे हैं। यही हमको बहुत अच्छा फायदा हुआ है सर, जो इधर का फसल सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में मक्का की खेती होती है, तो हम लोग क्या है मक्के के बारे में ही आप लोग हम लोगों को ज़्यादा परेशानी होती थी हमको, और अब ये मतलब अच्छे रेट मिल रहे हैं तो जीवन में खुशहाली आ गई। हाँ बिल्कुल सर, खुशहाली आई है, और जो बच्चों की आवश्यकता, घर की आवश्यकता, जो भी परेशानी था, आज किसान के पास, कई किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं था, मक्के की उत्पादन और धान की उत्पादन से ही कई किसानों के पास ट्रैक्टर आ गया, और अच्छे ढंग से खेती करने का अभी प्रयास किया जा रहा है और आगे और करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई? बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे फसल का दाम को दुगुने करने का मोदी जी ने प्रयास किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपके इस FPO को जिसने भी बनाया, हमारे कृषि विभाग के और किसान DD चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगे भी ऐसा वो गांव-गांव तक और अपने TV चैनल के माध्यम से हर किसान को ये जागरूकता हो और उनको समझ करके और अच्छी अच्छी जानकारी बताती रही। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे उन अधिकारियों को भी धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने किसान उत्पादक संगठन बनाकर किसान भाइयों को लाभान्वित किया है। वो कह रहे हैं उनकी आमदनी जो है वो दोगुनी हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो आदिवासी किसान हैं किस तरीके से उनका जीवन जो है खुशहाल हो गया है। तो आप भी इन योजनाओं से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। TV पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव की चौपाल चर्चा से बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या, सज समर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या। राम की नगरी में है उत्सव का माहौल, क्योंकि राम जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम, हर शाम 4 बजे DD न्यूज पर और शाम 5 बजे DD नेशनल पर। जीवन में सफलता, प्रसन्नता एवं संतुष्टि के लिए सरल, रोचक व तर्कसंगत उपयोगी ज्ञान बिंदुओं का श्रवण करें। स्वयं के विचारों को उत्कृष्ट बनाने के रहस्य को जानें और अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को उजागर करें। मन प्रबंधन और वैदिक ज्ञान के विशेषज्ञ स्वामी मुकुंदानंद जी के साथ
देखिए सोच बदलें जीवन बदलें प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल बाव जिंदगी बाव जिंदगी बाव बाव जिंदगी गेट अप थोड़ा बेटर हो बाव जिंदगी पर्सनालिटी का जब मैटर हो बाव जिंदगी फैशन ही फैशन से भरी बाव जिंदगी लाइफ में अपनी स्टाइल हो बाव जिंदगी लाइफ में बैलेंस रिदम हो कलर पैटर्न ब्यूटी और डिजाइन भी इम्प्रेसिव जो स्टाइल हो बाव जिंदगी होम इंटीरियर साइड हो बाव जिंदगी फैमिली संग हो आउटिंग भी बाव जिंदगी मॉडर्न टाइम्स की लाइफ हो वाओ जिंदगी वाओ जिंदगी देखिए वाओ जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे वाओ जिंदगी सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल रिश्तों की अजब कहानी है वैसे तो सदियों पुरानी है मंजर जादू नगरी के है रखवाली कहानी है ये दो दिनों के दास्तां पलक जमी की है जबां वो तो है चंद्रमुखी सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल योग और फिटनेस शिल्पा शेट्टी के साथ प्रतिदिन सुबह 7 बजे पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल वो विरह के दास्तां रहना बीती जाए मोहब्बत का फसाना पल पल दिल के पास तुम रहती हो वो रूठना मनाना वो हंसना रुलाना ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या ये सब नगमों की सौगात है बीते दिनों की याद है ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी चित्रहार प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल बदलते भारत की शान।